19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैं राजनीति सनसी से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी। तो देखिए, ये खबर सामने आती है, केशव मौर्य का ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद चर्चा होने लगी, सवाल भी कई खड़े होने लगे। अब इसमें विपक्ष तो चुप बैठता नहीं, तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है और इसमें उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश यादव ने कहा, आगे कहा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए चुटकी लेते हुए ये कहा है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं, वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। तो देखिए, केशव मौर्य को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, वो कितने काबिल हैं, कितने सफल रहे, जान लीजिए आप। एक बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 3 बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, 1 बार लोकसभा चुनाव जीते और 2 बार MLC भी रहे हैं, वरिष्ठ चेहरा हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार में हैं तो इस तरीके के सवाल क्यों हैं? सवालों में है केशव मौर्य, सरकार में शामिल हैं, फिर सवाल क्यों हो रहे हैं? केशव के बयानों में विरोधाभास है। अब इसको लेकर भी बात हो रही है कि लगातार जब आप सरकार में हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप संगठन का चेहरा हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो फिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अपनी विधानसभा सीट हारने का क्या दर्द छलक उठा है? क्योंकि सवाल तो ये भी है ना, अगर आपका दर्द छलक उठेगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं में जोश कौन भरेगा? आपको ही तो ये करना है। कौशाम्बी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, एक सवाल ये भी है। बूथ नहीं बचा पाए, फिर क्यों सवाल? क्योंकि देखिए, बीजेपी का वही स्ट्रैटेजी, वही फॉर्मूला कि आप बूथ बूथ पर जाएंगे, आप माइक्रो लेवल तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं को समेटेंगे, बातचीत करेंगे और जब बेस स्ट्रांग होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। जन समर्थन में फिर क्यों मौका चाहिए? संगठन बहाना है, ये योगी पर निशाना है क्या? लगातार एंटी योगी कैंपेन क्यों? क्योंकि पहली बार तो ट्वीट नहीं है, पहली बार तो बयान नहीं है, कई बार ऐसे बयान और ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसे ट्वीट सामने आ चुके हैं जिसके बाद और विपक्ष को घेरने का मौका भी मिल चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं अमित शाह। कुछ देर पहले PM से भूपेंद्र चौधरी भी मिले थे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के बाद अमित शाह की मुलाकात PM आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, इसके क्या मायने हैं? ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? आगामी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मीटिंग का सिलसिला, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल 30 का गठन, 30 मेंबर्स बनाए गए, प्रभारी नियुक्त किए गए, फिर उसके बाद नड्डा से मुलाकात होती है भूपेंद्र चौधरी की, नड्डा से मुलाकात होती है केशव मौर्य की, और उसके बाद मीटिंग के बाद
अब ये खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी मिले थे और अब अमित शाह की मुलाकात की भी खबर सामने आ रही है। तो क्या चर्चा हो रही है? उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर चर्चा है, आगामी चुनावों की तैयारी है, ताबड़तोड़ तैयारी में अब सरकार पार्टी बीजेपी की जुट गई है और इस वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हो जाते हैं? सात लोक कल्याण मार्ग पहुंचे अमित शाह, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे गृह मंत्री, दोनों की बातचीत हो रही है, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है? एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश से लगातार हम आपको रिपब्लिक भारत पर खबरें बता रहे थे कैसे बैठकों का सिलसिला जारी है, और इस बीच पीएम मोदी से अमित शाह की मिलने की खबर, और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जहां सुबह से मीटिंग का, बैठकों का सिलसिला जारी था, ये खबरें आ रही थी, और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का कहना कि मैं ले रहा हूं नैतिक जिम्मेदारी, मेरी गलती है, और अब पीएम से अमित शाह की मुलाकात, पीएम से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, कैसे देख रहे हैं जी? इस समय बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने आज 45 मिनट से ज़्यादा प्रधानमंत्री से बैठक की है, उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा ऑफर कर दिया है, पहली खबर। दूसरी खबर, भूपेंद्र चौधरी की 45 मिनट से ज़्यादा की बैठक के बाद, इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ ही लोमस इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास के बाहर खड़े हैं, साथ लोक कल्याण मार्ग पे, जहां पे इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच चल रही है, और ये अपने आप में बताता है कि दीज आर फास्ट पेस डेवलपमेंट्स, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंजेस हो रहे हैं। हमने देखा है कि ये बात केंद्रीय नेतृत्व ने कल केशव प्रसाद मौर्य को बुला के, हालांकि 10 दिन पहले सूत्रों के हवाले से साफ कर दिया गया था कि आप योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के खिलाफ या फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिसमें आप दो बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद कल जगत प्रकाश नड्डा के उनको बोलने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से आज दोबारा ट्वीट किया है, उसके बाद ये बहुत सारी दिक्कतों की तरफ ये अब इंडिकेट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा कैबिनेट रीशफल चाहते हैं, हालांकि अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है दिल्ली का, और इसी तरह से भूपेंद्र चौधरी के रेजिग्नेशन को भी अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है जगत प्रकाश नड्डा का। हमें इस बात की ये एक इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो बैठक चल रही है इस समय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बाद, उसके में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है इस पर। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि समन्वय बिठाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइमिंग को देखते हुए, और ऐसे में ये जो मुलाकात है वो किस ओर इशारा कर रही है ये भी आप डिटेल में बताइएगा, साथ ही आगे रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं कि हर मुलाकात भी हो जाती है, ये साफ तौर पर स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि जो भी है ताबड़तोड़ एक्शन में है अब बीजेपी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी आप पूरे ग्राफिक्स के साथ समझा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद का इलेक्शन कैसे हारे हैं, केशव प्रसाद मौर्य इस 24 के जनरल इलेक्शंस में भी कौशाम्बी में जो उनके बूथ पे, वहाँ पे बीजेपी हारी है, और वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने निकले हैं। बीजेपी के लिए दिक्कतें बड़ी हैं, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 24 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का नंबर बढ़ा है, बीजेपी का गिरा है, लेकिन ये टाइम इंटरनल फाइटिंग का नहीं है, इन फाइटिंग का नहीं है, आपस में लड़ाई का नहीं है, और यही बात उनको ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड दोनों समझाई जा चुकी है। दूसरे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, जिनको भी दिक्कत रहती है कहते हैं, लेकिन वो चुप हैं, क्योंकि उनको ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से साफ तौर से बोला गया है दैट योगी इज द चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही, बाबा के नेतृत्व में ही बीजेपी 27 का चुनाव लड़ेगी, ये बात साफ तौर साफ कर दी गई है, और उसके बावजूद अगर आप अपनी सरकार जिसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उस पर आप सवाल उठाएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। और अब 10 के 10 उपचुनाव आ रहे हैं जिसमें एक डिकटैक दे दी गई है कि नथिंग लेस देन 9, 10 में से 9 बाईपोल्स बीजेपी को जीतने हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी दे चुका है योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए आप देखिए जो आज लिस्ट है, जो आज आपकी टीम ने ग्राफिक्स भी बनाए हैं 5 के प्रहार में, आप देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर लगातार ये खबरें भी सामने आ रही है। ऐश्वर्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।